स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन का चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे। द गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एस क्यू आर आर आइसोसेलेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो, पी क्यू आर ये ट्राइंगल है, एक एस क्यू आर ये ट्राइंगल है। अब आपको जो चीज़ गिवन है ना वो लिखो, क्योंकि आपको क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एस क्यू आर ये ट्राइंगल है, और इसमें देखो ये वाली साइड ना एस क्यू साइड एस आर साइड के इक्वल है, पी क्यू साइड पी आर साइड के इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाला एंगल फाइंड करोगे, है ना, और ये वाला एंगल। अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, फिर एक हमने ये पूरा, है ना, पी ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स मिल जाएगा ना आपको, ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो इसको आप क्या मान लोगे, y। तो अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एस क्यू आर, ट्राइंगल अपने कितना हो जाएगा अपना एस क्यू आर। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एंगल, देखो एस क्यू आर, एस क्यू आर प्लस एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल अपना क्या हो जाएगा, ये क्यू एस आर, क्यू एस आर इक्वल टू 180। आपको पता है सम ऑफ ट्राइंगल है ना कितना होता है अपना 180। तो एंगल है, एंगल में कितने एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं किसी ट्राइंगल में। तो तीनों ट्राइंगल है, मतलब कोई भी एक ट्राइंगल है उसमें तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा अपना 180, हमने कर दिया। अब हमने क्या माना था यहाँ पे, इसको हमने y माना ना, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे। अब देखो आपको ये भी पता है कि ट्राइंगल एस क्यू आर इज आइसोसेलेस, तो भी आइसोसेलेस है तो एंगल क्यू एंड एंगल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, लेट एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू वाई। तब दोनों जगह यहाँ पर एस क्यू आर और एस आर क्यू की जगह क्या लिख देंगे हम, वाई लिख देंगे, तो वाई लिख दो। अब हम क्या लिखेंगे, वाई प्लस, अब ये देखो एस क्यू आर कितना है अपने पास, क्यू एस आर 120 इज इक्वल टू 180। ये गिवन है आपको, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, क्या लिखोगे आप, एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 120 गिवन, ये आपको गिवन है, आपने लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो सॉल्व करेंगे, वाई वाई कितना जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 प्लस का है, इक्वल कितना जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तुमने माइनस का कर दिया। अब इसकी बात करो, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। देन अब देखो 2y के साथ क्या मल्टीप्लाई में ना, तो y यहाँ पर और ये क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 0 30। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 30। देखो अब क्या होगा, ये y है, ये भी कितना हो जाएगा अपना 30, और x, अब इस x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अब देखो y इधर भी 30 है और इधर भी क्या होगा, 30। अब यहाँ पर x है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे 70 दे रखा है। अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसके बाद, अब आप देखो x प्लस y मिला के क्या बन जाएगा, q। अब ये तो कितना हो गया हमारे, y 30 है, तो y की जगह अपन 30 लिख सकते हैं, है ना। तो अब एंगल की अगर अपन बात करें, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर किससे मिलकर बना है अपना, पी क्यू एस और एस क्यू आर से, लिखेंगे पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर। देखो पी क्यू एस एस क्यू आर दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल क्यू बन जाएगा ना, पी क्यू आर, तो ऐसे कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू एस, तो अपना एक्स है, प्लस ये कितना हो जाएगा अपना एस क्यू आर 30, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लिख दो। अब देखो आप,
कि एंगल क्यू हमारे पास कितना आ गया, एक्स प्लस थर्टी। तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा अपना, एक्स प्लस थर्टी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो पी क्यू आर क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पी क्यू और पी आर हमारे क्या इक्वल है, तो जितना एंगल क्यू होगा उतना एंगल आर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस। अभी आइसोसेलेस है तो हम क्या बोलेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। देखो डायरेक्ट क्यू भी लिख सकते हो क्योंकि अब ये पूरा हो गया ना, इस एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल क्यू कितना है अपना, पी क्यू आर है ना, वो क्यू के बराबर ही है ना। यहाँ पे आप लिख लेना एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये एक ही बात ही है। तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल पी तो अपना कितना है, 70 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ पर लिख लेना एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन 70। एंगल क्यू कितना है अपना, देखो क्यू की वैल्यू कितनी है अपनी, एक्स प्लस थर्टी, एक्स प्लस थर्टी। और आर की भी कितनी हो जाएगी, देखो दोनों इक्वल है ना क्यू और आर, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स प्लस थर्टी सेकेंड, ऐसे लिख देना। आप इसकी जगह भी क्या लिखोगे, एक्स प्लस थर्टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब करो आप, देखो ये कितना हो जाएगा 100 और 130 प्लस एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 180। अब 2x एज इट इज 180 माइनस 130, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/2 करेंगे। अब देखो कि इधर मल्टीप्लाई में था ना, इक्वल किधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 5 10। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 25 डिग्री हो जाएगा आपका। देखो ये 25 है, y अपना 30 है, तो टोटल कितना हो गया 65। लेकिन हमको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। एक बार वापस से समझ लो कि आपको क्या दे रखा था, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, एक एस क्यू आर सेकेंड ट्राइंगल है, एंगल पी 70 डिग्री और एस 120 डिग्री आपको गिवन है। तो और हमें क्या दे रखा है, एस क्यू आर एंड पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें पता है दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल। जब साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हमको प्रॉपर्टी पता है। तो एस क्यू एस आर के इक्वल है, तो इसको अगर हमने वाई मान लिया तो ये भी वाई हो जाएगा, तो वाई प्लस 120। तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ जाएगी आपकी 30। अब ये y की वैल्यू 30 आ गई, अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो पी क्यू आर है ना, तो एंगल q कितना हो जाएगा अपना, x प्लस वाई, दोनों को मिला के q बन रहा है ना। अब x प्लस वाई की जगह 30 लिख देंगे अपन, तो x प्लस 30, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 30। और पी क्यू आर को अपन एंगल q भी लिख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 30। इक्वेशन वन डालो, फिर हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर लेंगे। अब ये भी क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, टू साइड हमारी इक्वल है, तो एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल होगा, तो एक्स प्लस वाई, तो भी कितना हो जाएगा अपना, एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 30। तो अब हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180, तो 70 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सिंपली सॉल्व करेंगे, सबको प्लस कर लेंगे 130, और एक्स कितने हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 180। 2x यहीं पर रहेगा, 130 माइनस में हो जाएगा, 50 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में, x इधर रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई में तो इक्वल कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, कट कर देना 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 25, ये आंसर है आपका। इसी का बी पार्ट सेम एज इट इज है, बी पार्ट आपको करना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द ट्राइंगल, वट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या दे रखा है, एंगल्स के रेशियो दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मान लें, हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो अब एंगल्स का आपको रेशियो दे रखा है, तो आप क्या करोगे इसके सोल्यूशन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मानोगे लेट द एंगल
इज इक्वल टू एक्स, एंगल को हमने एक्स मान लिया है, तब ये कितने जाएंगे, देखो रेशो ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना है, 1:2:3। तो अब देखो एंगल्स कितने एक्स हैं, तो एंगल कितने जाएंगे अपने, फर्स्ट एंगल 1 × x, 1 × x कितना हो जाएगा एक्स, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा अपना 2x, थर्ड एंगल कितना हो जाएगा अपने पास 3x। अब हमें पता है सम ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, सो हम क्या लिखेंगे, अब जैसे ये एंगल फर्स्ट है ना, इसको आप ऐसे भी लिख लो, देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब एंगल 1 की जगह क्या लिखोगे, एक्स, 2x, 3x इज इक्वल टू 180। अब ये देखो प्लस 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 है ना, तो सब प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 180x, 180/6, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, कट करो 3 टाइम्स 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18 एंड 0 कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 30, ये आ गया। अब देखो अब हमें एंगल फाइंड करना है ना, मेजर द एंगल, तो एंगल कितना हो जाएगा अपना, एंगल 1 है ना, या फर्स्ट एंगल एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 2 इसे बोल सकते हैं अपन, सेकेंड एंगल 2x, तो 2x की जगह 30 कितना जाएगा 60 डिग्री, एंगल 3 3x है, 3 × x की जगह 30 कितना जाएगा 90 डिग्री। अब देखो आपके पास कितने एंगल हैं, 3 एंगल है, एक 30, एक 60, एक 90 है, तो किस टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल हमारा कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो अब देखो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है ना, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, व्हाट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल ना, तो हम क्या बोलेंगे, दिस एंगल, इसे ऐसा कर देना, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन अ गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अब आपको इन सब एंगल्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो आपको एक स्टार गिवन है यहाँ पे, अभी स्टार कैसे मिलकर बना हुआ है, देखो ए सी ई ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, और एक ट्राइंगल क्या अपने पास बी एफ डी, ये ट्राइंगल है। अब इनका सम आपको फाइंड करना है, तो हमें पता है इसको हम सॉल्व क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी ई, देखो इन ट्राइंगल ए सी ई आप क्या बोल सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 बाय द प्रॉपर्टी है ना इन। अब हम क्या लिखेंगे सेकंड, देखो एक ट्राइंगल तो आपको ये दिखा, एक ट्राइंगल क्या है हमारे पास डी एफ बी या डी बी एफ कुछ भी बोल लो आप ना, तो इसमें क्या आप लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी बी एफ, डी बी एफ क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री सेकंड। अब हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे 1 प्लस सेकंड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखो ए से लेके एफ तक सभी एंगल्स का सम चाहिए ना आपको, यहाँ पर भी हाफ हाफ हो गए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1+2 इक्वेशन है 1+2, तो हम क्या करेंगे इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना जाएगा अपना एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू, ये 180 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 180। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे ना ऐसे। अब इसको सीक्वेंस में लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी एंगल ई प्लस एंगल एफ
सीक्वेंस में लिख लिया इसको हमने, रीअरेंज कर लिया। अब देखो 80 प्लस 80, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ये आंसर आ गया आपका, है ना। आपको इसमें सम ही फाइंड करना था तो आपने इसकी फाइंड कर ली वैल्यू, इन सब का सम कितना हो जाएगा 360। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लोगे। दी क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ राइट एंगल्स ट्राइंगल द एक्यूट एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:7 एंड फाइंड द एक्यूट एंगल। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे अपन, हम क्या लिखेंगे, लेट द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब आपको यहाँ पे रेशियो भी गिवन है एक्यूट एंगल का, है ना, एंड रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल इज 3:7। तो अब देखो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल, है ना, फर्स्ट एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा 3x, ये x है कितना हो जाएगा 3x, और सेकेंड एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा 7x। और देखिए थर्ड एंगल कितना अपना 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन ही क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल है दैट मीन्स एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, दो एंगल का रेशो आपको दे रखा है, अब हमें पता है ना, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 7x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो अब कर दो x और x 10x हो जाएगा और 90 180, 10x 180 माइनस 90 10x कितना हो जाएगा आपका 90। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90/10, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। अब इसके बाद देखो हम इसको यहीं पे कर दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्यूट एंगल कितना है 3x है ना, तो हम क्या लिखेंगे 3 × x की जगह 9, 18 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 27 डिग्री आ जाएगा, है ना, एंड सेकेंड एक्यूट एंगल बराबर 7x, 7x है तो क्या लिखेंगे अपन 7 × x की जगह 9, कितना जाएगा 63 डिग्री। तो देखो दोनों एक्यूट एंगल हैं और हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आप कंप्लीट कर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज 80। देखो ए बी सी कितना दे रखा है आपको 80, एंड एंगल ए सी ई, ए सी ई इज 70 डिग्री। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी ई देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसको अपन एक्स बोल देते हैं। अब ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, देखो हमें पता है सॉल्यूशन। देखो हमें पता है ए बी और सी ई पैरेलल है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी ई एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो ए बी सी ई पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम क्या करेंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखो जेड बन रहा है ना, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे एंगल ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम क्या लिखेंगे एंगल बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल ए सी ई, ए सी ई, और रीजन क्या लिखेंगे अपन अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल, क्योंकि आप साइन की ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। तब हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, ए सी ई कितना दे रखा है आपको 70 डिग्री, तो बी ए सी भी कितना हो जाएगा, ये भी अपना कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब हमें पता है इन ट्राइंगल ए बी सी आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ए बी सी इनों का सम कितना हो जाएगा 180,
तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है ना इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए की वैल्यू 70 डिग्री, बी की 80 डिग्री और सी की जगह एक्स 180 डिग्री। अब ऐड करो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री कर दोगे, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। देखो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30 डिग्री। आपको एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी थी तो एक्स की वैल्यू भी हमारे पास, इसको आप क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क में करना है, ये सेम एज इट इज ही है जिससे मैंने पहले वाले क्वेश्चन कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल इज 80, फाइंड द मेजर ऑफ वन ऑफ इक्वल एंगल। देखो टू एंगल आपको इसमें गिवन है ना, देखो एक बार इसमें आपको टू एंगल्स हैं है ना, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड थर्ड एंगल्स इज 18, फाइंड द मेजर ऑफ द वन ऑफ द इक्वल एंगल। तो टू एंगल है, अब हम क्या करेंगे, टू एंगल है वो भी दोनों इक्वल है तो एक्स एक्स मान लेंगे, टू एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस 80 कर देना इज इक्वल टू 180, टू एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 180 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, अब 2x और 80 को 180 में से माइनस कर देना 100 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो इस तरीके से आपको लोगों ने वर्बली बताया, आप इसे करके देखिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ x x और एक 80 सिंपल सॉल्व कर देना, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 और सिंपल है क्वेश्चन, आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो आज अपनी एक्सरसाइज क्या कितनी कंप्लीट हो गई है, 6.2 कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो पर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थैंक यू।